सो गाइज, हियर आई एम यश पांडे, वेलकम टू माई चैनल एफिलिएट मास्टर। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्यों आपको क्लिक्स मिलती हैं बट सेल्स नहीं। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है, तो इसके ऊपर मैंने सोचा एक वीडियो बना दिया जाए। देखिए इस वीडियो को आखिर तक और होपफुली इसके बाद आप समझ जाएंगे कहाँ आप गलती कर रहे हैं और कहाँ आपको इम्प्रूव करना है। सो देखिए इस वीडियो आखिर तक, आई होप यू लाइक इट, कम एंड अप। सो गाइस, सबसे पहली गलती जो होती है, लोग सोचते हैं कि लैंडिंग पेज बना के उसमें ईमेल इकट्ठा करके ही हम सेल कर सकते हैं, बट ये काफ़ी रॉन्ग तरीका है गाइस। काफ़ी लोगों ने मिसगाइड कर दिया आप लोगों को कि आप जब तक ईमेल इकट्ठी नहीं करेंगे जब तक आपको सेल्स नहीं मिलेगी। बल्कि अभी तक मैंने जितना भी कमाया है वो विदाउट ईमेल कैप्चरिंग कमाया, मैंने डायरेक्ट मेथड से कमाया। यस गाइस, मेरे लैंडिंग पेज पे सिर्फ और सिर्फ एक बटन होती है जिसमें एफिलिएट लिंक होती है, जिस पे कोई क्लिक करता है डायरेक्ट उस पेज पे पहुंचता है सेल पेज पे और वहां से उसकी अर्न होती है। अगर आपके पास कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनकी मदद से आप कंटिन्यूसली ट्रैफिक पहुंचा सकते हैं एक पर्टिकुलर पेज पे, देन कोई नहीं रोक सकता आपको सेल करने से और आपको ईमेल इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आई हेट ईमेल मार्केटिंग, इसलिए मैं नहीं करता हूं उस मेथड का यूज़। एंड बेसिकली यही सीक्रेट मेथड्स ही मैं अपने कोर्स में सिखाता हूं कि कैसे आप रेगुलरली ट्रैफिक पहुंचा सकते हैं एक पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे। सो गाइस, ये है पहली मिस्टेक जो लोग करते हैं कि ईमेल इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं रादर देन फोकस ऑन लैंडिंग पेज अच्छा सा बनाए और उसमें एक बटन डाल दें, सिंपल लैंडिंग पेज बनाएं। दूसरी गलती गाइस, प्रोडक्ट्स। लोग ऐसे प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं जिनकी डिमांड ही नहीं है। बेसिकली गाइस, लोग सोचते हैं कि लोग जैसे हेल्थ एंड फिटनेस का कोई प्रोडक्ट है और कोई ज़्यादा ही बेच रहा है इस प्रोडक्ट को, तो आप सोचेंगे नहीं मैं कुछ और प्रोडक्ट ट्राई करता हूँ, बट ऐसा नहीं होता गाइस। जो मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है उसको ज़रूर आपको ट्राई करना है। जैसे लाइक अगर हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ बिक रही है तो आपको ज़रूर बेचनी है, या फिर आपका जिसमें इंटरेस्ट है उसको ही चूज़ करिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट को देख के जिस साइड को मार्केट जा रहा है उस साइड को आप चले जाएं, क्योंकि गाइस अगर आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं होगा उस प्रोडक्ट में तो कोई नहीं खरीदेगा उस प्रोडक्ट को और आपकी सेल नहीं होगी। सो फर्स्टली आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस प्रोडक्ट में और उस प्रोडक्ट की डिमांड होनी चाहिए, ये चीज़ आपको ख्याल में रखनी है, तभी आप सेल पा सकते हैं। सो गाइस, तीसरी गलती ये है कि लोग अपने प्लेटफॉर्म नहीं बनाते हैं। जस्ट लाइक मैंने अपना प्लेटफॉर्म बनाया इंस्टाग्राम, मैंने अपना पेज बिल्ड किया जिसमें आज 21,000 के ऊपर फॉलोवर्स हैं गाइस, जिसकी मदद से मैं कभी भी अपना प्रोमो डाल के सेल पा सकता हूँ। ऐसे ही आपको भी अपने प्लेटफॉर्म बिल्ड करना अभी से चालू करने हैं। ऐसा नहीं कि मैं 10 साल बाद करूँगा या जब मेरी सेल्स आने लगेगी तब मैं करूँगा। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरी सेल्स नहीं आती थी, एंड नाउ आई एम गेटिंग सेल्स फ्रॉम माई ओन पेज गाइज और फेसबुक एड से, और यही मैं टेक्निक अपने कोर्स में भी सिखाता हूँ बेसिकली कि कैसे आपको अपना खुद का पेज जल्दी से जल्दी बिल्ड करना है। सो आपको अपना पेज इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल, जस्ट लाइक मेरी यूट्यूब चैनल है एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, जिसमें मैं अपना खुद का कोर्स बेचता हूँ, तो ये भी एक तरीके का एफिलिएट मार्केटिंग ही हो गई। एंड गाइस, आप ऐसे ही किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, फेसबुक पेज बना सकते हैं। तो आपको अपने प्लेटफॉर्म बना के रखने हैं ताकि जो आपको फ्यूचर में सिक्योरिटी दे सके। ऐसा नहीं कि आप आज आपकी अर्निंग हो रही है और एकदम से अर्निंग होना बंद हो जाएगी तो आप डर जाएंगे, लेकिन अगर आप यहीं पर आपके पास प्लेटफॉर्म्स होंगे जिन पर आप जाके ट्रैफिक जिनसे ले सकते हैं, सो आपको इतना डर नहीं लगेगा क्योंकि यू हैव अनदर ऑप्शन गाइस। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको प्लेटफॉर्म भी तैयार करके रखने हैं अपने एफिलिएट मार्केटिंग कैरियर के लिए। सो गाइस, चौथी गलती जो लोग ज़्यादातर करते हैं वो है शॉर्ट लिंक करके उसको शेयर करना। बेसिकली गाइस, कई ऐसी वेबसाइट हैं जिनसे वो अपने लिंक को शॉर्ट कर लेते हैं, बट वो लिंक ब्रोकन होती हैं या फिर करप्ट होती हैं, जिसकी मदद से एफिलिएट कमीशन उनके पास नहीं जाता। क्लिक्स आती हैं, लोग परचेज भी करते हैं बट उनको कमीशन नहीं मिलता। तो आपको ख्याल में रखना है, अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं लिंक तो टाइनी URL से कर सकते हैं या फिर बिटली से, उसके अलावा किसी और का यूज़ ना करें। एंड बिटली और टाइनी URL भी फेसबुक ऐड सपोर्ट नहीं करता है, कई जगह पर आप उनका यूज़ कर सकते हैं लाइक यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, बट ऑन फेसबुक एड्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। फेसबुक के किसी पेज पे जाके जरूर आप पोस्ट कर सकते हैं बट फेसबुक एड्स सपोर्ट नहीं करेगा। सो आपको ऐसे ही ख्याल रखना है कि कहीं कई जगह पे शॉर्ट लिंक्स अलाउ नहीं होती हैं, वहाँ पे आपको लॉन्ग लिंक डाल सकते हैं आप, या फिर किसी अच्छी वेबसाइट से जाके उसको शॉर्ट करें, जैसे लाइक बिटली या फिर टाइनी URL, जिसकी मदद से आपके पास कमीशन आ जाए। ऐसा ना हो कि परचेज भी कर रहे हैं आप, मेहनत भी कर रहे हैं और आपके पास सेल्स भी नहीं आ रही हैं बिकॉज आपकी लिंक ही ब्रोक है। सो आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छा लगा होगा। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट गाइज बट नॉट द लीस्ट,
सो गाइस लास्ट पॉइंट इज टारगेटेड ऑडियंस। बेसिकली अगर आप ऑडियंस ही गलत टारगेट कर रहे हैं और आपका प्रोडक्ट है हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड और आपकी जो ऑडियंस है वो उसका इंटरेस्ट ही नहीं है हेल्थ एंड फिटनेस में, देन आपका प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा। देन यू शुड हैव अ टारगेटेड ऑडियंस गाइस। अगर आपकी जो जितनी भी 100 क्लिक्स आ जाएं, 1000 क्लिक्स आ जाएं, बट उनका अगर इंटरेस्ट ही नहीं है आपके प्रोडक्ट में तो कहाँ से सेल होगी। लोग कहते हैं मेरी क्लिक्स आ रही हैं, सेल नहीं आ रही है। रीज़न यही होता है कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस नहीं है गाइस। और आपको ये ख्याल रखना है जितनी भी ऑडियंस हो जो आपके पेज तक आए, सेल्स पेज तक, वो सारी टारगेटेड होनी चाहिए, फिल्टर्ड होनी चाहिए। वही लोग आए जिनको परचेज करना है या फिर जिनका इंटरेस्ट है। जस्ट लाइक ऐसा नहीं कि आप हेल्थ एंड फिटनेस का प्रोडक्ट किसी ऐसे बंदे को बेच रहे हैं जिसको वो चीज़ चाहिए ही नहीं। जस्ट लाइक आप बेच रहे हैं एक टूथब्रश बेच रहे हैं और उसको टूथब्रश की ज़रूरत ही नहीं है, उसके पास ऑलरेडी है तो वो क्यों खरीदेगा। सो ऐसे ही जो लोग फिट हैं ऑलरेडी वो क्यों किसी फैट लॉस के प्रोडक्ट को खरीदेंगे। सो ऐसा ही आपको ख्याल में रखना है टारगेटेड ऑडियंस। एंड इस इन पांचों टॉपिक्स के बारे में मैं डीपली सिखाता रहता हूं अपने खुद के कोर्स में, जिसके लिए आप अगर चाहें उस कोर्स को खरीदना तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड मैंने हाल ही में एक फेसबुक ऐड का कोर्स भी लॉन्च किया है जिसमें जिसका रियल प्राइस है 4000, बट एक हफ्ते के लिए उसका प्राइस है 2000 गाइस। अगर आप चाहते हैं तो खरीद सकते हैं उसको। बेसिकली गाइस ये पॉइंट आपको ख्याल में रखने हैं ताकि आपके पास भी सेल्स आए, ऐसा ना हो कि आपके पास क्लिक्स आ रही हैं बट सेल्स नहीं। सो गाइस आई होप यू अंडरस्टैंड, यू लाइक दिस वीडियो, देन मस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियोस लाता रहूं आगे इन फ्यूचर। एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू, पीस आउट।